वो वक्त था जब कश्मीर में लोग सरकार शब्द से नफरत करने लग गए थे और मुट्ठी भर कश्मीरी आतंकवादियों ने उस वक्त के होम मिनिस्टर की बेटी रुबिया सैयद को अगवा करके सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो वक्त था जब कश्मीरी नौजवानों के लिए मिलिटेंट होना फख्र की बात बन गई थी। ऐसे माहौल में बहुत से नौजवान भटक गए थे और कुछ तो इंसानियत भी खो बैठे थे। उनमें से एक था बिट्टा कराटे, जो भारत को तोड़ने के इरादे से ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गया था। वो आखिर टेररिस्ट क्यों बना? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया जी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए जी। यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको आपकी देखभाल ठीक तरह नहीं की, आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए और आपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जानें शुरू कर ली, कहाँ उनकी जानें ले ली हमने। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुजरवानी। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इशफाक मजीदवानी बिट्टा कराटे को 32 दिन की ट्रेनिंग के लिए सरहद के पार ले गया। पाकिस्तानियों ने इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया। जब भी उन्होंने जगह बदली, उन्होंने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। तो जो लोग आप पर इतना यकीन भी नहीं करते कि जहां ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां आपको आंख पर पट्टी बांध के ले जा रहे हैं? हर एक को ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए आप जान तक अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे? नहीं, हमारे जहन में कुछ क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे, वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीदवानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा ऑर्डर दे, किसी को मार दो आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। नहीं, गुलामी कहाँ, मैंने कहा ना पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हाल उठवाते हैं, ये काम है जी, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए काम करते करते बिट्टा कराटे के दिमाग में देशद्रोह की भावना इतनी ज्यादा भर गई थी कि निर्दोष लोगों को जान से मारने में उसे जरा भी झिझक नहीं थी। नहीं, मासूम मासूम नहीं है, मतलब वो बेगुनाहों को नहीं मारते उसको, मतलब नहीं। लेकिन आपको तो नहीं मालूम कि वो आदमी मासूम है कि गुनाहगार है? नहीं जी। आपको हुक्म दिया कि मार डालो, आपने मार डाला जी। He is not one of the most dreaded terrorists, but he was a compulsive killer and we were after him for a long time because he committed some very gruesome murders in front of women and children and things like that. अच्छा, आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग मारे। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हम मारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही है, लगा दीजिए 20 ही मारे। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। कितने मुस्लिम, कितने कश्मीरी पंडित थे? ज़्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऊपर से ऑर्डर मिलता था, मैंने कहा। अच्छा, पहला जिस आदमी को पहले आपने जान से मारा वो कौन था? पहला कत्ल कब किया आपने? पहला कत्ल कब किया आपने? मैं भी सोच रहा हूँ। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू। टिक्कू कौन था ये? मुझे ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। सिर्फ इसलिए कि पंडित था? नहीं, वो शायद आरएसएस का था। तो क्या आरएसएस का होना किसी के लिए गुनाह है? यानी अगर कोई आदमी आरएसएस का मेंबर हो तो आप उसे जान से मार डालेंगे? मैंने कहा ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो, अगर मेरी जगह किसी और को मिल जाता कि फलानी को मारो, उसको मारना था। जिस लड़के ने, बिट्टा कराटे ने सतीश को जान से मारा, उसके लिए आप क्या सजा मुनासिब समझते हैं? क्या समझते हैं आप? बेटा तो मेरा कहाँ से वापस आएंगे, तो क्या कहूँगा। किस चीज़ से मारते थे आप? पिस्टल से। हमेशा पिस्टल से ही मारते थे या AK-47 से भी मारते थे? AK-47 से हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे। अच्छा, और जब किसी एक आदमी को मारना होता था तो पिस्टल से। तो अकेले जाते थे कि 2-3 आदमी साथ होते थे? मैक्सिमम मैं अकेला जाता था। तो नकाब पहनी होती थी आपने? नकाब के बगैर। यानी लोग आपको देखते थे कि आप हैं जो जान से मार रहे हैं किसी को? जी। लोग पहचानते थे आपको? तो लोगों ने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं। इसका मतलब लोग आपको, लोग साथ देते थे। अच्छा,
कभी ऐसा हुआ कि आपने जिस आदमी को मारना चाहा आपने कोशिश की लेकिन आप फेल कर गए? नहीं, जब भी आपने कोशिश की सफल हुए? जी सफल हुए, मैं जिधर निशाना चाहता था लगा उधर बराबर पहुंच जाता है। तो इसमें क्या खासियत थी आपकी, मतलब क्या बात थी कि आप हमेशा सफल हो जाते थे? मतलब मसल पावर पे होते हैं, मसल पावर। पिस्टल सबसे टफ फायर होता है पिस्टल फायर, और पिस्टल फायर में मसल पावर अच्छी होनी चाहिए। और आप नज़दीक जाके एकदम फायर करते होंगे? नज़दीक नहीं, डिस्टेंस बहुत रखता था। कितना डिस्टेंस? 30 गज 20 गज। इतनी दूर से पिस्टल से मार देते थे? और क्या कहाँ निशाना ताकते थे, सर का कि दिल का? मैक्सिमम मैं सर का या हार्ट का लगा देता। तो जब लोग मर जाते थे या आपके सामने तड़पते भी होंगे तो आपको कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ? पहले भी लग रहा था, बाद में नहीं। बिट्टा कराटे जिस आदमी के कहने पर आंख मूंद कर चल रहा था, उस आदमी इशफाक मजीद वानी की मौत उन निर्दोष लोगों से भी बदतर हुई जिन्हें उसने मारा था। इशफाक मजीद वानी को कैसे मारा गया? वो तो काउंटर में मारा गया। एनकाउंटर में? एनकाउंटर में मारा गया। जेन्युइन एनकाउंटर था? जेन्युइन एनकाउंटर, मतलब सही एनकाउंटर था। सही एनकाउंटर। असली आदमी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायर कर रहा था? नहीं, तो वो तो कवर पोजीशन में खड़ा था लेकिन लड़ रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस से। बाकी जो लड़के थे वो लड़ रहे थे और उसने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की हद गोला इशफाक मजीद वानी ने। जी, और इसके ऊपर फायर दो चार आ गए। लेकिन अब बिट्टा कराटे को लगता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा पहले जब मैं 88 में जब मैंने इन्फिल्ट्रेशन की, तब उधर जब ट्रेनिंग की, उन्होंने कहा कि आप अंदर से कुछ करो, जब लोग आपके साथ होंगे तो बाकी हम कुछ करें, बाकी हम सब हम पर डालो। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक करेगा, जंग करेगा। तो फिर ऐसा तो हुआ नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ। तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब तो दुख हो रहा है बहुत। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ? बहुत धोखा हुआ। आपको लगता है कि जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं, मिलिटेंट्स अख्तियार कर रहे हैं, गोली चलाने का, बम ब्लास्ट करने का, मासूम लोगों की जानें लेने का, इससे जो आपका मकसद है कि हिंदुस्तान को तोड़ दें, कश्मीर को अलग कर दें हिंदुस्तान से, ये पूरा हो पाएगा? मेरे ख्याल में मुश्किल। मुश्किल है कि नामुमकिन है? मुश्किल है, मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। तो फिर क्यों आप लोग ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अगर आपका मकसद पूरा नहीं होने जा रहा है? अब मैं मेरे भाइयों को ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट से बातचीत करें, जो मिलिटेंट है उनको ये चाहिए कि आप गवर्नमेंट से बातचीत करें, क्योंकि उधर डकैती हो रही है, रेपस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? रेपस हो रहे हैं उधर। रेप्स हो रहे हैं? जी। किसके? वो तो लड़कियों के रेप्स हो रहे थे। कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है, मतलब हो रहे हैं ना, बहुत जुल्म हो रहा है उधर, डकैती हो रही है, गन पॉइंट पर पैसे ले रहे हैं मिलिटेंट्स। और लड़कियों का रेप भी करते हैं मिलिटेंट्स? अब रेप भी कर रहे हैं। और लोगों के ऊपर ये भी दबाव डाल रहे हैं कि अपनी लड़की की शादी फलां से कर दो, अपनी लड़की की शादी फलां से कर दो? देख, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये आपकी जानकारी है कि मिलिटेंट्स लड़कियों को रेप करते हैं? जी, कर रहे हैं। और जोर से पैसे भी, गन पॉइंट से पैसे भी ले रहे हैं। अब बिट्टा कराटे भारी संख्या में मिलिटेंट्स के आत्मसमर्पण के बारे में क्या सोचता है? सरेंडर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं जी। जो सरेंडर कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं जी, ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी मिलिटेंट्स हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो जीने देंगे इन लोगों को जो सरेंडर कर रहे हैं? उनको भी सरेंडर करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए तो अलग बात है, लेकिन होगा क्या? मतलब क्या वो सरेंडर कर देंगे सारे के सारे मिलिटेंट्स, जो इस समय 3,000 या उससे ज्यादा मिलिटेंट्स हैं वैली में? नहीं, तो असलियत में होगा क्या? मैंने कहा तबाही होगी। क्या सजा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। ज्यादा क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से फांसी हो सकती है। आपको कबूल है फांसी? जी, कबूल है। दिस मैन हु इज सो कैजुअल अबाउट किलिंग अदर पीपल क्लियरली सीज हिज ओन एंड इन अ मिसगाइडेड ग्लोरी ऑफ मार्टिरडम। व्हाट काइंड ऑफ अ कॉज इज दिस दैट डीह्यूमनाइजेस अ मैन सो मच दैट ही इज विलिंग टू किल हिज ओन मदर?